रखे लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये इनको रखनी चाहिए नीचे, और ये ठाकुर होनी चाहिए पूजा है, क्योंकि जो माता देवी है ये माँ वैष्णव देवी है, वैष्णव देवी और शंकर जी वैष्णव है और माता देवी वैष्णव भी है, गणेश जी भी उनको बेटा है, इसलिए दुनिया के जो मालिक है भगवान कृष्ण है, मालिक भगवान कृष्ण है। अगर जैसे राम दरबार है, जब राम दरबार बताओ हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं, चरणों में, चरणों में रहते हैं, हनुमान कभी राम के सर पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, इसलिए जो शंकर ही हनुमान बन करके आए, शंकर ही हनुमान बन करके कहते रुद्र देहत जी नेह वस गोस्वामी जी कहते हैं पानर भाई हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से मैं प्रभु राम की सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो वो प्रेम में बसीभूत तो होकर के बांदर भय हनुमान, शंकर ही ये हनुमान बन करके आए और प्रभु राम की चरण की सेवा कर रहे हैं। अब रामायण देखे हो, अब देखना जो माता को पता लगा करके श्री हनुमान जी आए उधार करके, तब भगवान राम इतने खुश हुए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता तो सीता को पता लगाना इतना आसानी बात नहीं, तेरी वजह से हुआ है, आज तू जो इच्छा तू वर मांग ले। हनुमान जी क्या वर मांगते हैं, बोले बार बार वर मांगू हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सतसंग, बोले प्रभु मेरे को एक ही वर दो, आपके चरण में निष्काम भक्ति हो और संतों का संग होंगे। हनुमान जी अब रामायण देखे होंगे, जब भगवान राम हनुमान के सर पर हाथ रखते हैं ना, उसी समय दिखाते हैं कैलाश में शंकर जी के सर के ऊपर राम का हाथ है, और शंकर जी इतने प्रसन्न बोलते को पार्वती प्रभु मेरे को आशीर्वाद है, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है। इसलिए शंकर जी भगवान के सेवक है, माता जी वैष्णव भी है, हैं इसलिए भगवान के सर के ऊपर एकदम बैठेंगे ये नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनको नीचे रख लेना, ठीक है जी, और ठाकुर जी को ऊपर रख लेना, ठीक है ना, ठीक है जी, हाँ इतना इतना कर लेना कल, और एक काम कर लेना, गले में कंठी भी पहननी चाहिए, तिलक भी लगानी चाहिए, जैसे ठाकुर को सेवा करते हैं ना, जब तक हम गले में कंठी तिलक नहीं हो, शास्त्र कहता है हम ठाकुर को सेवा भी नहीं कर सकते और ठाकुर के लिए कोई कुछ बना भी नहीं सकते, तुम्हारे हाथ का वस्तु ग्रहण ठाकुर नहीं करेंगे, ठाकुर तो भूखे नहीं खा लेंगे, जैसे कहते ना छापान भोग छत्री से व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने, भगवान को जितने कुछ भोग लगा दो जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते ठाकुर कुछ भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमारे जो शरीर है ये क्षिति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये अधम शरीर इसको बताए है, अधम शरीर देखो सवेरे उठते ही मुंह से बदबू, नाक से बदबू, कान से बदबू, नीचे से बदबू निकलती है, इसलिए ब्यूटी पार्लर में जाओ सज कर आओ है बढ़िया से, थोड़े 10 मिनट अगर गर्मी का बाहर निकल जाओ रोम रोम से बदबू निकलेगा, इसलिए ये अधम शरीर है, लेकिन ये शरीर की पवित्रता कब होगा, जैसे ठाकुर को तुलसी पत्ता के बगैर भोग नहीं लगता है, शास्त्र कहता है जब तक हम किसी सदगुरु से गले में तुलसी कट्टी नहीं धारण करते तब तक ठाकुर को सेवा में हमारे अधिकार नहीं, ठाकुर को सेवा हम कर ही नहीं सकते, ठाकुर हमारे हाथ का कोई चीज खाएंगे नहीं ठाकुर, इसलिए गले में तुलसी कंठी हो, तिलक भी लगाने हैं, तिलक जरूर होनी चाहिए, तिलक के बगैर शरीर ये पवित्र हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए ये गोपियों का चरण धूलि है, इसलिए तिलक कंठी ये दो चीज हमारे शरीर में होनी चाहिए, ठीक है ना, गले में कंठी ले लेना, तिलक ले लेना और भगवान की हरि नाम बस भगवान के भजन करना। उदाहरण देते हैं अगर कहीं विदेश कहीं जाना चाहते हो, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए तो विदेश जा सकते हैं, बताओ तीन चीज क्या है, पासपोर्ट, दूसरा वीजा, तीसरा टिकट। साधारण इस जगत में देखो एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए, अगर हम ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हैं इसलिए हमारे पास में भी तीन चीजें होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ये जम दो तुम कह रहे हैं, बोले ललाटी तिलकम, कहते पहला नंबर पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या, बोले ललाट में तिलक इसका पासपोर्ट है, अब
लोग तो हिंदू है, अब देख लेना जैसे घर में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक तिलक नहीं लगाएगा पूजा ही नहीं कराएगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा उसकी निष्फल है। तिलक के बगैर पूजा तुम्हारी निष्फल हो जाती है। चलो पहले तिलक लगाएगा, जैसे कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे बिजनेस के लिए तिलक लगा कर भेजेंगे, जाते हुए विजय प्राप्त हो, ये तिलक विजय का चिन्ह है। जैसे आप सधवा स्त्री पुरुष है, हमें पता कहीं चलता है तुम सधवा हो, सिंदूर लगाई, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहन कर, नाक में बेसर चूड़िया और हरे लाल रंग सब कपड़ा पहने हो, पता चलता है ना सधवा है। ये जगत का पति के लिए इतना धारणा कर दिया, जो पति का जो पति है, जो परम पति, तो उसके लिए हमारे पास में क्या चिन्ह है, हमारे पास में क्या चिन्ह है, प्रभु हमारे पति है। दुनिया के पति के लिए तो इतना सब श्रृंगार किया, उसके लिए जब स्वयं गए थे ललाटे तिलकम, तो वो तिलक लगाए, बोले कंठे त्रिकंठिका, गले में तुलसी की माला पहनेंगे, कहते ये पासपोर्ट भेजा हो गया, बोले टिकट क्या है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, यही टिकट है। अब देखना जीवन में भले ही जो कुछ करना कर लो, जिसको पूजा करना जो कुछ जीवन में करना कर ही लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, सुने क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम यही बोलेंगे, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? ऊपर जो लेटा हुआ है, कि देख जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है, यही केवल सत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसके बगैर तुमने जीवन में जो कुछ किए हो, केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही। जिस पत्नी को तुमने शादी की रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, उसको आगे नहीं चलेगी। जिनको परिवार बनाया शमशान तक चलेंगे, खोपड़ में घी भर करके सिर सर फोड़ कर वापस आ जाएगी, टाटा करते उसको आगे कोई भी काम तुम्हारे आने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, इतना चीज को याद रखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में क्या मिला है, अरे जितने राम का नाम किया वही मिला, जगह में सब ही खोवाए। जब सब सब कुछ खोवाएंगे, तो उसके लिए जब इतना कर रहे हैं, जो मिलेगा उसके लिए क्यों नहीं करे, ठीक है ना। क्या करनी चाहिए? हरि की नाम जब करनी चाहिए, हरि की नाम छीन ले, चले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सब आए, पावे जी मैंने ये तीन चीज को ठीक कर लोगे ना, बस ये बैकुंठ का पासपोर्ट बनेगा, ठाकुर के पास में सीधा ठाकुर के पास में जाए, ठीक है ना। इसलिए गले में कंठी तिलक और भगवान की नाम, ये तीन चीज को पूरा पक्की रख लो, पासपोर्ट भेजा और टिकट, नाम नहीं जपा जाता मेरे से, पूजा होती नहीं है, ज्योत नहीं जगती मेरे से, धीरे धीरे होगा, होगा नहीं, सारा दुनिया की काम कर रहे हैं, जब नकली काम कर रहे असली काम क्यों नहीं कर सकते, उसको स्केल गलत करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हरि नाम करो, भक्ति करो, तिलक कंठी लगा, ठाकुर को जो कुछ उठा ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे।